हेलो गाइस, वेलकम ऑन गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो उस पूरी कंप्लीट वीडियो में मैं 49 क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करूंगा और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा जो आप ना कर पाए। तो पूरी तरह से कंप्लीट पैकेज मान लीजिए भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन से जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और साथ ही इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले ऊपर जो लिंक है ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो वहाँ पर लिंक मिलेगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, उसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि इसी तरह की काम की वीडियो हम अपने चैनल पर डेली लाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। तो जितने भी क्वेश्चन लेंगे हम राष्ट्रपति से संबंधित लेंगे, तो भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है। तो बिल्कुल की जा सकती है ब्रिटेन के सम्राट से, ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना आप बिल्कुल कर सकते हैं। फिर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं। तो यह निहित होती हैं राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति की पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं, राष्ट्रपति में। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन है। तो यह भी होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को ही भारत का प्रथम नागरिक माना गया है, ऐसा संविधान में उसका वर्णन किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाएं, चाहे थल सेना की बात की जाए, चाहे जल सेना, चाहे वायु सेना की बात की जाए, तीनों ही सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होना जरूरी है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए। तो ये भी आपको जरूरी क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन पर। और सेवंथ क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है वो होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, यानी कि समान अनुपात के आधार पर वोटिंग की जाती है, वो भी एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा, यानी कि वहां पर एक रैंक वाइज वोटिंग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव संचालित होता है चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहां भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले भेजे जाते हैं उच्चतम न्यायालय में। चुनाव से संबंधित कोई भी मामला होगा राष्ट्रपति से तो वो जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो बिल्कुल 5 वर्ष के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो देखते देखते ही याद होने लगेंगे। तो बिल्कुल डेफिनेटली याद हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और एक कंप्लीट पैकेज है ये वीडियो। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है। बिल्कुल संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कि संविधान में किसी भी बात का उल्लंघन करने पर या उसका अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है और वो लगाया जाता है संसद के द्वारा। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से ना जुड़ा हो। तो पूरी 49 क्वेश्चन की कंप्लीट वीडियो है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है, अमेरिका के संविधान में। अमेरिका के संविधान में इस चीज़ का बिल्कुल जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस आधार पर लगाया जाना है। तो उसी से प्रेरित होकर ये महाभियोग की प्रक्रिया संपन्न की जाती है।
फिर है कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 में ऐसा कहा गया है, अनुच्छेद 60 में इस चीज का वर्णन है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। क्लियर। शपथ दिलवाता है मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो वह देता है लोकसभा अध्यक्ष को। राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देना है तो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति इस सूचना को भेजेगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। क्लियर। फिर आता है कि भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई चुनाव नहीं किया गया था, सीधे डायरेक्ट चुने गए थे, निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, उनके खिलाफ कोई नहीं था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? वो थे बिहार के और नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत के पहले राष्ट्रपति जो कि बिहार से थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, क्लियर। चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। और 20th क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से ही पहले हो गई थी, यानी कि कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। फिर आता है कि भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? भारत का राष्ट्रपति नहीं नियुक्ति करता किसकी? उपराष्ट्रपति की। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। ठीक है, यहाँ भी पद और गोपनीयता की शपथ दी जाती है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और सेम प्रोसेस ही है। वित्त बिल को किसकी स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल को जो स्वीकृति मिलती है वो मिलती है राष्ट्रपति की। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है राष्ट्रपति के साथ लोकसभा और राज्यसभा में। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? वो देता है संघीय मंत्री परिषद। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री परिषद। कि कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा है? तो ये रहे हैं एम हिम हिदायतुल्ला। कौन रहे हैं? एम हिदायतुल्ला, ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? तो वह होता है धन विधेयक। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाता। ठीक है, नेक्स्ट है कि युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है? तो यह अधिकार भी होता है राष्ट्रपति के पास। कोई भी युद्ध हो जाए या भारी आक्रमण हो जाता है तो इस स्थिति में युद्ध की घोषणा करता है राष्ट्रपति, तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान कर सकता है? बिल्कुल राष्ट्रपति कर सकता है। अगर उसकी सजा फांसी की सजा है या उम्र कैद की सजा है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको ऐसा सुनाती है, उसको ऐसी सजा सुनाती है, तो उसको राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह उसकी क्षमादान कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो वह है भारतीय डाकघर अधिनियम। भारतीय डाकघर अधिनियम। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करने का जो अधिकार होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर आता है अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? तो यह होता है एक विधायी अधिकार। कैसा अधिकार होता है? विधायी अधिकार। अध्यादेश, कोई भी अध्यादेश जारी करना है तो राष्ट्रपति का यह हो जाता है विधायी अधिकार। नेक्स्ट आता है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है सांसदों और विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, एकल संक्रमणीय मतदान पद्धति जो मैंने अभी बताई थी निर्वाचन आयोग के द्वारा कंडक्ट की जाती है और संसद और विधानसभा सदस्यों द्वारा
राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन सी राष्ट्रपति बनी थी? वह 12वीं राष्ट्रपति थी, ठीक है, 12वीं राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फिर 13वें आपके हुए प्रणब मुखर्जी, क्लियर। और अब हैं 14वें रामनाथ कोविंद। ठीक, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, क्लियर। फिर आता है क्वेश्चन कि कौन से राष्ट्रपति दो बार राष्ट्रपति चुने गए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार दो बार भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, उसको अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है और किसी राजनीतिक व्यक्ति के पास ये अधिकार नहीं होता। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष भी राष्ट्रपति ही होता है, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये संविधान सभा के द्वारा चुने गए थे, है ना, संविधान सभा के द्वारा ही इनका सिलेक्शन हुआ था और इनको भारत का पहला राष्ट्रपति घोषित किया गया था। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो कुल 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा में। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह, ठीक है, 1.5 लाख रुपये प्रतिमाह भारत के राष्ट्रपति का वेतन है और अभी इसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ठीक है, तो वो आप कंफर्म कर लेना, ठीक है, तो वृद्धि हुई है वो आप कंफर्म कर लेना, वो आपको पता चल जाएगी, या फिर मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट के सेक्शन में आपको बता दूंगा कि इसमें वृद्धि कितनी की गई है, क्लियर। चलिए, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? तो वह रह सकता है 3 वर्ष। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? किसी भी राज्य में अगर शांति भंग होती है या सरकार गिरती है तो उस वक्त राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और वो लगाया जाता है राष्ट्रपति के खुद के द्वारा अधिकतम 3 वर्षों के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है, ठीक है, भारत का जो प्रधान हो है संवैधानिक अध्यक्ष है, वो है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी कितनी होती है? टोटल 50-50 होती है, बराबर बराबर 50-50 के हिसाब से होती है। भारत में किसके चुनाव से अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? चुनाव राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा किया जाता है। फिर अगर राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? तो ये 6 महीने में भरना जरूरी होता है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना जरूरी होता है? तो 6 महीने के अंदर ये भरना जरूरी होता है। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक वह राज्य में राज्यपाल को नियुक्त रख सकता है। राष्ट्रपति किस अनुसूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ और समवर्ती सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, है ना। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है, क्लियर। तो यह राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। तो गाइस, ये हुए 49 क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन, जहां पर हमने राष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा। और ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, आने वाले एग्जाम के लिए भी पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। PDF आप इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इसी तरह की वीडियो बनाए रखने के लिए बनाते रहेंगे, बिल्कुल बनाते रहेंगे, बस अपना प्यार बनाए रखें। प्यार बनाए रखने के लिए बस क्या करना है आपको? एक लाइक का बटन, जो काला लाइक का बटन है उसको नीला कर देना है, बस यही आपका प्यार है, यही आपकी सपोर्ट है, बस इतना ही चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे द्वारा भेजी जाने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। धन्यवाद।